हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल ब्यूटी गर्ल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा सिरप जो आपके स्किन से पिंपल को रिमूव करेगा और आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और साथ ही साथ आपके ब्लड को प्यूरीफाई करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप चाहो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर मैं अपने लाइफ अपडेट शेयर करती रहती हूँ, तो आप मुझे फॉलो ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रूप मंत्रा का आयुर्वेदिक ब्लड प्यूरीफायर सिरप, जो आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और आपके स्किन को पिंपल फ्री बनाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको रूप मंत्रा के बारे में बता देती हूँ। ये रूप मंत्रा एक हर्बल ब्रांड है, आयुर्वेदिक ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन होते हैं, 100% पैराबेन फ्री होते हैं और 100% एल्कोहल फ्री होते हैं। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, प्लास्टिक की पैकेजिंग है और 200 ml की बॉटल है, जिसका प्राइस है 87 rupees। इसमें काफ़ी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, आप देख ही सकते हो कितने सारे इंग्रेडिएंट हैं, जिसको इतने अभी पढ़ भी नहीं सकते हो इतने सारे हैं। तो आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो। ये हेल्प करते हैं आपके एक्ने पिंपल को रिमूव करने में, ब्लैक हेड व्हाइट हेड को रिमूव करने में। ये आपके किसी भी तरीके के स्किन डिसऑर्डर को दूर करता है और साथ ही साथ आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं, तो इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मैं इसको काफ़ी टाइम से ले रही हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लेकिन फिर भी इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर द्वारा कंसल्ट जरूर कर लें। इसमें काफ़ी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से इसको जब हम इंटेक करते हैं ये थोड़ी कड़वी लगती है। आपको इसे दिन में 2 बार 1 से 2 चम्मच लेना है। मैं इसे 1 चम्मच लेती हूँ और आप अपने डॉक्टर के हिसाब से इसे ले सकते हो। तो आप इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर राय ले लें। किसी भी मेडिसिन को इंटेक करने से पहले आपको उसे अच्छे से मिक्स कर लेना होता है, अच्छे से सेक कर लेना होता है बॉटल को। इसके बाद आपको 1 चम्मच में उसे 1 चम्मच निकाल लेना है और इसके बाद उसको ले लेना है। ये थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो इसको लेने के बाद मैं 1 चम्मच पानी भी लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, लव यू ऑल।